हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 32 पे, और अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो, जिससे चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। जब वो म्यू रे जियान के ऊपर वुहान के कातिल होने का इल्जाम लगाता है, जियान उसका सबूत मांगता है। ऐसा होने पे उस म्यू रे ने अपनी स्टोरिंग से कागज को बाहर निकाला था। इस पे एक फ्लेम एनर्जी का इम्प्रिंट होता है, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि फ्लेम मिल्की व्हाइट फ्लेम होती है, जैसी फ्लेम का इस्तेमाल जियान करता था। जियान समझ जाता है कि आज म्यू रे पूरी प्लानिंग करके आया है, और उसके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जब जियान ने वुहान को सीरियसली इंजर्ड किया था उस समय यूयू जियान के पास पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि किस तरीके से ब्लैक क्लोथ मैन वुहान को जियान से बचाकर वापस ले गया था। साफ तौर पर जियान ने वुहान की जान नहीं ली थी, लेकिन लगता है वो फैमिली वुहान की मौत का बहाना बना के जियान के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, और इस चीज को यूयू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो जस्ट आगे जियान को प्रोटेक्ट ही करने वाले थे, तभी जियान कहता है यू फैमिली हेड, मैं इस परेशानी को खुद ही संभाल सकता हूँ। जियान फालतू में यू फैमिली को और ही परेशानी में डालना नहीं चाहता था। जियान के ऐसे एक्शन को देख के उस म्यू को भी लगता है कि अब जियान को पकड़ना बहुत ही आसान होगा। इस वजह से वो कई यंगर जनरेशन के मेंबर्स को, जिनकी स्ट्रेंथ 3-2 की होती है, उन्हें जियान को बंदी बनाने के लिए भेज देता है, लेकिन ये सभी मिलकर जियान के अटैक का सामना नहीं कर पाते। फाइनली एक्शन लेना पड़ा था उन 3 बुड्ढों को, जिनकी स्ट्रेंथ 4-2 की इनिशियल स्टेज पे होती है। ये तीनों जियान को अपनी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में फंसा लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये खुशी मना पाते जियान स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंज को एक्टिवेट करके इन तीनों की धुलाई करने लगता है। ये तीनों एल्डर समझ जाते हैं कि जियान कोई नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं है, भले वो एक एल्केमिस्ट हो, उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ यंगर जनरेशन के पीक पे है। ये तीनों फटाक से एनसीज को चेंज करके अपने कोऑर्डिनेशन को एकदम पीक पर ले जाते हैं। ऐसा होने पे भी जियान को इनसे लड़ने में परेशानी हो रही थी। अगर आप पूरी फाइट को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए पिछले एपिसोड को देखना होगा, उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चलो यहीं से हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। आसमान में जियान को देख के यू फैमिली मेंबर्स और विदा टेंस हो गए थे। वो देखते हैं किस तरीके से जियान इतने कम समय में इन तीनों बुड्ढों के खिलाफ डिसएडवांटेज में आ गया है। अब वीरू ने भी एंग्जायटी की वजह से अपने हाथों को क्लेंच कर लिया होता है। यूयू अपनी बेटी को समझाते हुए बोलते हैं, यू तुम ज्यादा चिंता मत करो, इस लड़की की ट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुई है। लगता है यूयू के इन शब्दों की वजह से यूरू थर्ड लेडर और बाकी के लोग भी अंदर से रिलीफ फील करने लगे थे। मतलब इन सभी ने जियान की सारी हिडन एबिलिटीज को देखा न हो, लेकिन कोई भी इंसान जो कि रूइंस के सबसे कीमती खजाने को हासिल कर सकता है, उसके पास डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होंगी। अगर और लोगों से कंपेयर किया जाए तो यूरू जियान को ज्यादा जानती थी, भले अपनी पिता की बात को सुन के उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, लेकिन तब भी वो अपने सिर को हिलाती है। आसमान में भाग रही जियान को देख के वो समझ जाती है कि वो डिसएडवांटेज में जा चुका है। अगर चीजें लगातार इस तरीके से चलती रहती है तो फिर जियान काफी जल्दी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। यूरू मनी मन में कहती है, लगता है अभी जियान अपनी एबिलिटी को छिपा रहा है। उसे याद आती है रियूंस की, जहाँ पे जियान के अटैक्स इससे कई गुना टेरिफाइंग थे। उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम और ब्लैक रूलर किस तरीके से अपने दुश्मनों पर कहर डाल रही थी, वो यादें अभी भी यूरू के दिमाग में एकदम ताजा है। लेकिन अभी आसमान के सीन को देख ऐसा लग रहा है जैसे जियान जानबूझ के अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर रहा है। कि जब यू फैमिली के मेंबर्स के बीच में ये बातचीत चल रही थी, सीन वापस से आसमान की तरफ शिफ्ट होता है। इस समय जियान को मिल्की व्हाइट फ्लेम ने पूरी तरह से सराउंड कर लिया था। उसका फिगर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। जब उसके चेहरे से वो हल्की सी फ्लेम भरती है, हम उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट को देख सकते हैं। पिछले कुछ एक्सचेंजेस के बाद जियान ने म्यू फैमिली के इन तीनों एल्डर्स के बीच में एक तरीके की इनकंसिस्टेंसी नोटिस करी है। ऐसा लगता है जैसे इन तीनों के साथ कुछ गड़बड़ हो। जियान वॉइस से कोड के अपने दिमाग में एक प्लान को तैयार करने लगा था। अगर वो म्यू फैमिली के तीनों एल्डर्स को हरा देता है तो हो सकता है वो सोल क्लैन की फोर्सेस पर्दे से बाहर आ जाए। आखिरकार जियान के पास सिर्फ 3-2 की पीक स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि उसके पास अपना गोल्डन डीमन पपेट भी है, जो कि इवॉल्व होके लेट स्टेज 4-2 एम्पर के लेवल तक पहुंच गया है। जब जियान के दिमाग में प्लान तैयार हो रहा था, वो चेहरे पे स्कार वाला एल्डर इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। हम उसे किसी कैनन बॉल की तरह जियान की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। उसके मुंह से किसी टाइगर के रोर जैसी आवाज बाहर आती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी में से एक ब्लडी रेड ग्लो रेडिएट होता है। जैसे वो अपने हाथ को खोलता है, वो ब्लड रेड एनर्जी कंडेंस होके एक एनर्जी टाइगर क्लॉ में बदल जाती है। इस टैन को फील करके उस बुड्ढे की आंखें और भी फ्रोशियस हो गई थी। अचानक से उसकी स्पीड इस तरीके से बढ़ती है कि वो एक ही फ्लैश में जियान के सामने अपीयर हो जाता है। साथ ही उसका वो टाइगर क्लॉ जिसके आसपास स्पेस रिस्टोर्ड हो रहा होता है, हम उसे जियान की गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। स्ट्राइक के पीछे इतनी खतरनाक पावर थी कि जियान जैसे हेवली फ्लेम ने प्रोटेक्ट करके रखा है, वो भी इससे खतरे को महसूस करता है। इस पंजे को अपने करीब आते हुए देख जियान की आंखें नैरो हो गई थी। तुरंत ही उसके शरीर में से सिल्वरी लाइट बाहर आती है। हम उसकी बॉडी को हल्का सा ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। इसी मोमेंट में सूरज के साउंड के साथ वो टाइगर क्लॉ जियान के गले से टकराता है। बस बात ऐसी होती कि तब तक जियान का फिगर पहले से
भी वहाँ से इल्यूजरी हो चुका था। वो क्लोडेक बस जियान की आफ्टर इमेज में जाके टकराता है। इस नजारे को देख के यू फैमिली मेंबर्स फाइनली रिलीफ फील करते हैं। इस इंटेंस फाइट को देख के इन सभी के दिल मुंह तक आ चुके थे। अपने अटैक को फेल होते हुए देख वो एल्डर स्कार को लिबास में कहता है एक आफ्टर इमेज। वो बिना पीछे मुड़े अपने एक पैर को तेजी से हवा में पटकता है। एक हैवी शॉक वेव चारों तरफ फैली थी। ऐसा लगता है जैसे शॉक वेव किसी सॉलिड चीज से टकरा गई हो। हम वॉइड में से एक फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। जियान को चूहे की तरह बिल से बाहर निकाल के वो एल्डर स्कार अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील करता है। उसकी वो खून की प्यासी आगे जियान के ऊपर लॉक होती है। लेकिन जिस डर को वो एक्सपेक्ट कर रहा था जियान के चेहरे पे वो दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल मौजूद होती है। जब उसे असलियत का एहसास होता है ऐसा लगता है उसे बिजली का झटका लग गया हो। वो समझ जाता है कि जियान जानबूझ के अपने आप को इस जगह पे छिपाया था कि इस चेहरे पे स्कार वाले एल्डर का अटैक जियान को ग्रे रोड एल्डर की तरफ भेज दे। पलक झपकते जियान ने शॉक वेव की फोर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को उस ग्रे रोड बुड्ढे के पास पहुंचा दिया था। अभी जियान की एनर्जी खतरनाक तरीके से सर्कुलेट हो रही थी। जैसे वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है उसके चारों तरफ का स्पेस भी शैटर हो जाता है। फिर जियान अपनी दो उंगलियों को खोलता है। ये दोनों उंगलियां जिनकी टिप पे वो डेंजरस एनर्जी क्रैकल कर रही थी उसे सामने के बुड्ढे के दिल की तरफ आगे बढ़ा दिया गया था। अटैक का नाम था येलो स्प्रिंग फिंगर। जियान की दोनों उंगलियां उस ग्रे रोड एल्डर के सीने पे जाके टकराने वाली थी। तभी हम अचानक से जियान के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो एक इनविजिबल पावर को नोटिस करता है, लेकिन समय न होने की वजह से बैंग साउंड के साथ उसका अटैक उस एल्डर के चेस्ट में जाके टकरा गया था। ऐसा होने पर उस एल्डर के चेस्ट एरिया में एक डेंट सा पड़ जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह होती है कि वुडा तुरंत ही अपने हाथ को अपने सीने पे दे मारता है। उसके चेहरे की सिनिस्टर स्माइल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जियान के अटैक का उसके ऊपर कोई इफेक्ट न हुआ हो। जियान तेजी से अपने कदमों को पीछे लेने वाला था, तभी सीने के उस डेंट वाले एरिया में से एक भयानक लेवल की एनर्जी रिलीज हुई थी। ये बूम साउंड के साथ जियान को पीछे फेंक देती है। अपने आप को हवा में स्टेबलाइज करने के बाद जियान रियलाइज करता है कि अचानक से आई भयानक ऊर्जा बाकी दोनों एल्डर से आई है। ये सोच के जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया था। उसने भी सोचा नहीं था कि म्यू फैमिली की तीनों बुड्ढों के बीच में एक्चुअली में इस तरीके की पावर शेयरिंग एबिलिटीज होंगी। इस समय के दौरान वो एल्डर स्कार और उसके दोनों भाइयों ने जियान को फिर से घेर लिया था। वो एल्डर स्कार जियान को ताना मारते हुए बोलता है नॉट बैड लड़के, लगता है अभी तुझमें फाइट बाकी है। इस चेहरे पे स्कार वाले बुड्ढे ने रियलाइज कर लिया था कि जन जानबूझ के एक एक एल्डर के पास जाने की कोशिश कर रहा है जिसे उन्हें वन बाय वन डिफीट किया जा सके। भले ही तीनों जुड़वा भाई हो लेकिन इनकी कल्टिवेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। वो एल्डर स्कार फोर स्टार दोधी की इनिशियल स्टेज के पीक पे था, वहीं पे उसके दोनों भाई फोर स्टार दोधी के बस इनिशियल लेवल पे होते हैं। इन तीनों ने अपने इस कॉम्बिनेशन की वजह से कई पावरफुल एक्सपर्ट्स की जान ली होती है। लेकिन जियान की 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक है वो इन तीनों के लिए डिफिकल्ट साबित हो रही है। जब इस बुड्ढे के दिमाग में विचार चल रहे थे दूर खड़ा मेरे चिल्ला के बोलता है तुम तीनों क्या कर रहे हो, वो बस एक थ्री स्टार दोधी एक्सपर्ट है। इस समय म्यूरे भी काफी इम्पेशेंट हो चुका था। देखने में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि म्यू फैमिली के तीनों एल्डर्स के पास जियान के खिलाफ क्लियर एडवांटेज हो। लेकिन तब भी इतना समय बर्बाद करने के बाद भी वो जियान को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर उस एल्डर स्कार की वॉइस सिकुड़ जाती है, बट वो एक काम आवाज में कहता है इसे तुम बिल्कुल हल्के में मत लो, ये बाकी के थ्री स्टार दोएम पर एक्सपर्ट जैसा नहीं है, इसकी एंड्योरेंस एकदम खतरनाक लेवल की है। ये कह के उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो अपने दोनों भाइयों से सीरियस आवाज में कहता है चलो इसे खत्म किया जाए। बाकी के दोनों बुड्ढे नॉड करते हैं। अब वो समझ गए थे कि उन्हें ऑल आउट जाना होगा। इनके शरीर से बाहर आने वाले ब्लड रेड दू की अचानक से इंटेंसिफाई होने लगती है। ऐसे नजारे को देख के जियान कहता है तो लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। उसने गहरी सांस छोड़ी थी। अब जब वो अपनी आंखों को खोलता है हम उसकी बॉडी में से ब्राइट फायरी रेड ऑरे को बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे उसका ऑरा एक्सपेंड हुआ था जियान की रॉ पावर की वजह से आसपास के स्पेस में बजिंग साउंड सुनाई देने लगी थी। जियान के ऐसे रूप को देख के ऐसा लगता है जैसे दू की कॉन्टेंट का फाइटिंग गॉड वापस आ गया हो। आसमान में चार लोगों को इंटेंस ऑरों की वजह से एटमोसफेयर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तीनों ने जियान को अपने बीच में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ट्रैप कर लिया था। ये चारों ऐसी एनर्जी को एमिट कर रहे थे कि एक पल के लिए तो लोग सूरज को ही भूल जाते हैं। वो एल्डर स्कार गुर्रा के बोलता है मूर्ख अपने आप को तैयार कर ले। अभी नीचे यू फैमिली के मेंबर्स भी काफी ज्यादा एंग्शियस हो चुके होते हैं। लगता है इस बार म्यू फैमिली के एल्डर्स जियान के खिलाफ कोई खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हैं। इवन यू जो कि अभी तक शांत रहे थे उनके चेहरे पे भी चिंता के बादल छा गए होते हैं। वो कहते हैं क्या सच में ये लेजेंडरी सील टेक्निक है। यू भी चुपचाप से जियान के लिए दुआ मांग रही थी। उस टेरिफाइंग ग्रे एनर्जी में से उसे एक एक्सट्रीम लेवल का डेंजर सेंस हो रहा था। इस मोमेंट में जियान जो कि फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप था वो रियलाइज करता है कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ है। हम तुरंत ही उसे 3000 लाइटिंग मोमेंट का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। लेकिन इस बार फर्क ये था कि इस बार उसकी बॉडी इल्यूजनरी नहीं होती, लगता है उसके आसपास के स्पेस को सील कर दिया गया है। अभी जियान की अपने सिर को दीवार में मारने की इच्छा होती है। आखिर वो इन बुड्ढों के चंगुल में कैसे फंस सकता है। जियान महसूस करता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर की वायलेट और ग्रे एनर्जी हर एक सेकंड के साथ स्ट्रांग होती जा रही है। धीरे धीरे स्पेस
स्पेस इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि तीन दिशाओं में बस तीन लाइट बीम्स दिखाई देती हैं। उनके बीच में सब कुछ जम गया था। इस फॉर्मेशन के सेंटर पर खड़ी जियान की स्टोरिंग के अंदर जब जिलोंग इस पावर को सेंस करते हैं उनके मुंह से सरप्राइज आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं एक सील, गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं, ऐसी सीलिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए काफी अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इन तीनों को देख के ऐसा लगता है कि वो उसे हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले जियान जिलोंग से कुछ पूछ पाता वो ग्रे ट्रायंगुलर बीम्स जियान की तरफ लाइटिंग स्पीड से शूट हो जाती है। एक ही पल के अंदर इस फॉर्मेशन के अंदर का स्पेस एकदम क्रश हो गया था और म्यू फैमिली की सीलिंग टेक्निक अपने पूरे इफेक्ट को ले लेती है। वो चेहरे पे बड़े से घाव के निशान वाला एल्डर एक कोल्ड आवाज में कहता है, ग्रे सील एक्टिवेट। जियान अपनी परिस्थिति का एहसास करते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को अपने हाथ में ट्रांसफर करता है। अटैक का नाम था ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम। जैसे एनर्जी पाम प्रिंट बैंक साउंड के साथ उस एनर्जी लाइट बीम से टकराता है हम इसे बहुत ही तेजी से बिखरते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे भी जियान के डिफेंसेस खुल गए थे। जैसे ग्रे लाइट बीम जियान के शरीर से टकराती है जियान काफी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्शन खो देता है। इस सीन को म्यू फैमिली एल्डर्स काफी ध्यान से देख रहे थे। उन्हें इंतजार था जियान के हताश होने का। जस्ट एनर्जी जियान को ओवरवेल्म करने वाली थी तभी उसके सीने के अंदर से एक मिल्की व्हाइट फ्लेम की वेव इरप्ट होती है। भले ही फ्लेम बहुत ही छोटी सी दिखाई दे रही हो लेकिन इसके अंदर एक टेरिफाइंग फोर्स छिपी हुई थी। ये अंगूठे जितनी फ्लेम जियान के सीने से उस कार एल्डर की तरफ शूट हो जाती है। भले इस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ने इस फ्लेम की पावर थोड़ी कम कर दी हो तब भी एक ही पल के अंदर उस एल्डर्स कार की बॉडी से आकर टकराई थी। काफी जल्दी उसके कपड़े जल जाते हैं। उसके लिए अच्छी बात है कि इस एल्डर्स कार को एक ब्लडी रेड एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही होती है। अचानक से अपने शरीर से टकराए इस अटैक की वजह से वो बुड्ढा एकदम शॉक में चला गया था। अगर उसके पास इतनी सारी प्रोटेक्शन नहीं होती तो शायद वो जल के राख हो चुका होता। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अब तक जो मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके शरीर को घेरे हुए होती है हम उसे धीरे धीरे करके फीका होते हुए देखते हैं। अंत में जाके इसका नामो निशान मट जाता है। इस मोमेंट में जियान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे किसी कठपुतली को चलाने वाले धागे कट गए हों। जियान को ऐसे वीक स्टेट में जाते हुए देख वो चेहरे पे घाव के निशान वाला बुड्ढा एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है कि हम सफल रहे। म्यू फैमिली के बाकी के एल्डर्स जो कि इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। नीचे खड़ा म्यूरे बोलता है ठीक है इसे कैप्चर कर लो। इस नजारे को देख के यू फैमिली के मेंबर्स के चेहरों पे हॉरर भर गया था। यू दांती मीस के बोलते हैं डैम इट। वो समझ रहे थे कि जियान के लिए सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई है। इस ग्रे सेल की सेलिंग पावर को वो भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। यू के बगल में खड़ी यूरो अपने होटो को बैठ करके अपने फादर से बोलती है फादर आप क्लैन का ध्यान रखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जियान को बचाना होगा। पीछे से एल्डर चिल्ला के बोलते हैं यूरो तुम ऐसा नहीं कर सकती ये बहुत डेंजरस है। लेकिन लगता है ये आवाजें यूरो के कानों में नहीं गई थी। वो अपनी ऊर्जा से बने पंखों को फैला के जियान की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कोई नोटिस नहीं करता लेकिन बैटल फील्ड में जियान जैसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा न बची हो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सोता हुआ ड्रैगन जागने वाला हो। सीन वापस से गया था यू फैमिली कंपाउंड की तरफ। इससे पहले यूरो आगे बढ़ पाती यू उसके हाथ को पकड़ते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि यू इन तीनों एल्डर्स का सामना नहीं कर पाएगी और तो अभी तक उस म्यूरे ने भी एक्शन नहीं लिया है। वो अपनी बेटी की तरफ एक बार नॉड करके जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। क्लियरली वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यू के ऐसे एक्शन को देख के म्यूरे विशेष आवाज में चिल्ला के बोलता है ओल्ड यू तुम्हें अपने इन एक्शन की कीमत चुकानी होगी। खैर यू म्यूरे के बकवास पे ध्यान नहीं देते। उनका हाथ जस्ट जियान को ग्रैब ही करने वाला था तभी उनके दिमाग में एक फैमिलियर सी आवाज ट्रांसमिट होती है। उस म्यूरे को लगी रहा था कि उसका प्लेन फेल होने वाला है तभी वो देखता है कि यू जो कि जियान से बस कुछ कदमों की दूरी पे है वो थोड़ा हेजिटेट करके फिर से यू फैमिली कंपाउंड में वापस लौट आते हैं। ऐसे बदलाव को देख के यूरू भी एकदम अचंभे में फट जाती है। वो भौंय से गोड़ के बोलती है फादर। अपनी बेटी की सवालों से भरी नजरों को देख के यू ने उसे अपनी पिंकी फिंगर दिखाई थी। इसे देख के यूरू का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। आखिर वो इस सिग्नल को कैसे नहीं समझती। जब वो छोटी थी तो उसके फादर जब भी कोई चीज सीक्रेटली प्लान करते थे वो उसे ये पिंकी फिंगर दिखाया करते थे। अपने फादर की जजमेंट पे भरोसा करके यू शांत हो जाती है। उसे लगता है कि उसके फादर के ऐसा करने के पीछे कोई रीजन होगा। मेरी कोल्ड आवाज में कहते हम तुम अपने आप को लकी मान सकते हो। फिर उसका ध्यान जाता है तीनों म्यू फैमिली के एल्डर्स की तरफ। वो कहते हैं इसे पकड़ के ले चलो। बिना हिचकिचाते हुए म्यू फैमिली के तीनों एल्डर्स जियान को लेकर म्यूरे के पास पहुंच जाते हैं। उस सीलिंग फॉर्मेशन की बीम से टकराने के बाद जियान का ऑरा इतना ज्यादा कम हो चुका था कि ऐसा लगता है मौत की कगार पे पहुंच गया हो। अपने प्लान को इस तरीके से वर्क करते हुए देख म्यूरे अंदर से काफी खुश था। वो यू की तरफ हाथ कप करके बोलता है मैं इस एहसान को फिर कभी चुकाऊंगा। ये कह के वो पीछे मुड़ गया था। म्यूरे कहता है चलो चला जाए। कमजोर हो चुके जियान को इस तरीके से जाते हुए देख कई देखने वाले लोग साय करते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठा हुआ क्राउड डिस्पर्स होने लगा था। इस जगह से काफी दूरी पे एक सफेद बालों वाला एल्डर चाय की चुस्कियां लेते हुए बोलता है इस लड़के जियान की सोल पावर काफी इम्प्रेसिव है। फिर उसकी नजरें जाती है बगल में खड़े एक शेडो फिगर की तरफ। वो कहता है मुझे वो सिटी की लेटेस्ट न्यूज दो। और शेडो में से एक आवाज आती है। वो कहता है ये
यस, अगले पल में परछाई धुआं बन के इस जगह से गायब हो गई थी। सीन वापस गया था यू फैमिली कंपाउंड में, एक डिम वुडन हाउस के अंदर यू और यू फैमिली के एल्डर्स बेहोश पड़े जियान को देख रहे होते हैं। इन्हें बस कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ता है, फिर जियान जाग जाता है। अब यूरू के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो जियान से कहती, तुम उस जगह से बाहर कैसे आए? कहा जाता है कि म्यू फैमिली के एल्डर्स की वो सील बहुत ज्यादा ट्रबल सम होती है। जियान स्माइल के साथ बोलता है, सोल, जब वो एम्पर रियल में पहुंच जाती है तो उसे एक तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल बोला जा सकता है। भले ही बिखर भी जाए तब भी समय के साथ इसे रिफॉर्म किया जा सकता है। भले ही मैं एम्पर रियल की सोल से मोर्टल स्टेट में एंटर कर पाया हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने सोल क्लोन का इस्तेमाल करके उन्हें कंफ्यूज कर सकता हूँ। इस पर यू नॉड करते हैं। वो कहते हैं, एम्पर रियल की सोल सच में पावरफुल होती है, इसे एक सेकंड बॉडी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी स्ट्रेंथ ओनर के बराबर होगी। तभी थर्ड एल्डर भी कहते हैं, तुम्हारी सोल टेक्निक काफी शानदार है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि तुम्हारे सोल क्लोन और रियल बॉडी में अंतर जानना बहुत मुश्किल है। जियान कहते हैं, मुझे टेक्निक मेरे मास्टर ने सिखाई थी, अगर मैंने इसे प्रैक्टिस नहीं किया होता तो मुझे उस सील से बाहर आने में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली थी। जियान की छिपी हुई एबिलिटीज को जान के अभी यू का जियान के ऊपर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। वो कहते हैं, जियान तुम रेस्ट करो, अगर म्यू फैमिली फिर से वापस आती है तो फिर मैं उन्हें हैंडल करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान हाथ कप करके बोलते हैं, सीनियर आपका धन्यवाद। थोड़ी देर तक और बातचीत करने के बाद तीनों लोग जियान को इस रूम में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जियान आसमान की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलता है, म्यू फैमिली, हाँ तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं म्यू फैमिली के ग्रुप को। अभी वो सिटी के रास्ते पे जा रहे होते हैं। वो एल्डर स्कार और उसके दोनों भाई जियान की बॉडी की देखभाल कर रहे होते हैं। वहीं पे म्यूरे और उसका बेटा म्यूलर, इन दोनों के चेहरों पर चिंता के बादल देखे जा सकते हैं। म्यूलर कॉशियस आवाज में बोलता है, एल्डर्स, क्या आप श्योर हो कि ये सील काम कर रही है? ये जियान के ट्रिक से भरा हुआ है। इस पे उसका बाप म्यूरे से डांटते हुए बोलता है, तो अपने मुंह को बंद कर ले, कि अब तक तू हमारी म्यू फैमिली को एम्बरेस करके थका नहीं है? जो अब तू सील के ऊपर भी डाउट करने लगा है। म्यूरे से डांट खाने के बाद म्यूलर एकदम शांत हो जाता है। हालांकि वो अंदर से काफी अनइजी फील कर रहा था, लेकिन वो किसी भी चीज का पता नहीं लगा पाता। हम वापस देखते हैं जियान को। भले इस समय कमरे में कोई मौजूद न हो, तब भी जियान एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसे अपनी सोल पावर से रैप कर लेता है। फाइनली उसने अपने हाथ की अंगूठी पर टैप किया था, तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन का इल्यूजरी फिगर जियान की अंगूठी से बाहर आता है। जियान पूछता है, मास्टर, आप एम्पर रियल्म की सोल के बारे में क्या बताना चाह रहे थे? गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उस बैटल के दौरान मैं अपने आप को शो नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि तब कई ऑब्स्क्योर ऑरे अलग अलग जगहों पे अपने आप को छिपा के वहाँ मौजूद थे। अगर मैं एक्शन लेता तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती। जियान बॉय से कोड के बोलते, एक्सट्रीमली ऑब्स्क्योर ऑरे, उससे गोल्डन ड्रैगन किंग की टूर स्टैंड के बारे में पता नहीं होता, लेकिन अगर उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग उन छिपे हुए ऑब्स्क्योर ऑरों को अपने लिए ट्रबलसम बता रहे हैं, इसका मतलब एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि भले ही अभी जिलोंग सोल स्टेट में हो, उनके ऊपर एक 5-स्टार दूरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस गुवन पेयुआन पिल को चिंगवान को कंज्यूम करवाने में फोकस करना चाहिए। फिर तुम जोन सेंटियन जाने का इंतजार कर सकते हो, या फिर यहाँ से चुपचाप से निकल जाने का इरादा भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स बना चुकी है। और जहाँ तक बात रही एम्पर रियल्म की सोल की, तुम उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक सोल क्लोन को कंडेंस कर सकते हो। अच्छी बात है कि सोल क्लोन का ऑरा और स्ट्रेंथ बिल्कुल तुमसे मेल खा रहा होगा। अगर दूसरी पार्टी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमसे कई गुना पावरफुल नहीं है, तो फिर एक 6-स्टार दूरी भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। अगर तुम्हारे दूरी की कॉन्टिनेंट की बात करी है, तो वहाँ पे दूरी ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम उस सोल क्लोन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूरी कॉन्टिनेंट दूरी को सप्रेस करता है। इस वजह से अगर यहाँ पे कोई सोल क्लोन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसकी सोल कम से कम मोर्टल स्टेट की होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन एलेबोरेट करके बोलते हैं, तुम्हें एम्पर रियल्म के क्लोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हारी जान बचा सकता है। बस याद रखना कि भले तुम्हारी इंजरीज तुम्हारे क्लोन को अफेक्ट न करें, लेकिन अगर क्लोन को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसका सीधा प्रभाव तुम्हारे ऊपर होगा। ये सुनकर जियान की आंखें खुशी के मारे चमकने लगती हैं, क्योंकि उसके क्लोन और उसकी बॉडी का ऑरा एकदम सेम होगा। जियान इसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को म्यू फैमिली की तरह धोखा दे सकता है। और इस तरीके से जियान के पास एक और ट्रम्प कार्ड आ गया। वैसे ट्रम्प कार्ड का मतलब सबसे पावरफुल स्किल या फिर ऐसी हिडन एबिलिटी होती है जो कि युद्ध के पूरे रुख को बदल दे। इससे पहले जियान और कुछ सोच पाता, गोल्डन ड्रैगन उसे एडवाइस करके बोलते हैं, ठीक है तुम अपनी उर्जेंसी और सोल को रिकवर करने में फोकस करो, मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के बाद तुम्हें तुरंत ही फाइट करनी पड़ी है। अगर तुम सही से रिकवर नहीं होते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर कल्टीवेशन में तुम्हें इशू आए। अब क्योंकि चिंगवान के मामले को हम डिले नहीं कर सकते, इस वजह से अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद तुम सीधा चिंगवान के पास जाना। जियान गोल्डन ड्रैगन की इंटेंशंस को समझ रहा था। उन बाहरी दुनिया की इविल रेस के खतरे के सामने जियान सिर्फ अपने मास्टर पर रिलाय नहीं कर सकता है, उसे अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। गोल्डन ड्रैगन का तभी सामने आना सही होगा जब जियान सिचुएशन को बिल्कुल संभाल ना पाए। ये
सोच के जैन ने फिर से अपनी अंगूठी को टैप किया था। जैन के सामने एक मेडिसिन पिल आके फ्लोट करने लगती है। इस पिल का नाम था फायर लोटस पिल। जैसा इसका नाम है, फायर लोटस पिल काफी तेजी से फायर एटीट्यूड की दुखी को रिकवर करवा सकती है और इसके सोल पे भी काफी अच्छे इफेक्ट होते हैं। जैसे जैन के शरीर में गई थी, ये अपने आप को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। जैन तुरंत ही अपने शरीर के अंदर एक वार्म सेंसेशन को फील करता है। जैसे जैसे मेडिसिन एनर्जी उसके सारे मेडियंस में फैल रही थी, उसके शरीर में से एक पर्पल ग्लो बाहर आने लगता है। बिना हेजिटेशन के जैन फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करने लगता है। पिछली बैटल में जैन को छोटे मोटे घाव आए हुए थे, वो देखते देखते बढ़ने लगते हैं। जैन के शरीर में जो छिपी हुई पुरानी मेडिसिन पिल्स की स्ट्रेंथ बची हुई होती है, ये फायर लोटस पिल की एनर्जी उसे भी एक्टिवेट कर देती है। वो पोटेंट मेडिसिनल पावर जिसे हीट ने एक्टिवेट कर दिया था, वो एक मिस्ट का फॉर्म लेके जैन के शरीर में फैलने लगी थी। जैन महसूस करता है कि उसकी बॉडी की एनर्जी काफी अर्ली वापस आ रही है। अच्छी बात है कि पहले से जैन ने इस वुडन हाउस को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ढक लिया था, इस वजह से इस कमरे के अंदर की ऊर्जा को कोई भी सेंस नहीं कर पाता। जैन को चारों तरफ से एक पर्पल मिस्ट सराउंड कर लेती है और इसे जैन की बॉडी की सेल्स एकदम भूखे जानवरों की तरह निकलती जा रही थी। इस एनर्जी से जैन सिर्फ पूरी तरह से रिकवर ही नहीं होता बल्कि उसकी नसें और भी मजबूत हो जाती है। भले फायर लोटस पिल बस एक 9th रैंक की पिल हो, लेकिन इसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये होता है कि उस छिपी हुई मेडिसिन स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर पाती है, जो कि हर बार मेडिसिन पिल्स का इस्तेमाल करने से बची रह गई होती है। अगर इस प्रोसेस को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बाइसू भी देख लेते तो शायद उनका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता। इस एनर्जी मिस्ट ने सिर्फ जैन के शरीर के हर एक हिस्से को नहीं ढका था, बल्कि अगर कोई जैन के इंटर ऑर्गन्स को भी देख पाता तो वह जैन के शॉक हो जाता कि जैन के ऑर्गन्स के ऊपर भी ये एनर्जी मिस्ट किसी लेयर की तरह छा गई है। ऑल्दो जैन इस एनर्जी को पूरा अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी एनर्जी मिस्ट रह जाती है। हम उसे जैन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए देखते हैं। भले ही डेंस एनर्जी जैन की बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना रही हो, वो अपनी लिमिट्स को अच्छे से जानता था। वो डिसाइड करता है कि जैसे उसके इंटर ऑर्गन्स और बोन्स अपनी कैपेसिटी तक पहुंचती है, वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर इस तरीके की डेंस एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है तो इसके बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैन की स्किन डिसइंटीग्रेट हो जाए। जब जैन सोचता है कि बिना स्किन के वो कैसे लगेगा, न चाहते हुए भी उसकी रूह कांप गई थी। लगता है गोल्डन ड्रैकिंग जैन के मन की परेशानी को समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम एक पीक 3-स्टार दूधी हो, तुम्हारी बोन्स और मसल्स इस एनर्जी को हैंडल कर सकती हैं। लगता है जिल्लों का दिलासा काम कर गया था। जैन फाइनली टेंशन फ्री होके इस पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में फोकस करता है। जब इस एनर्जी मिस्ट का आखिरी हिस्सा जैन के शरीर के अंदर गया था, हम कुछ समय के बाद जैन की त्वचा को वापस से अपने रंग को पाते हुए देखते हैं। उसके चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। जब जैन अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसे ऐसा लगता है कि पिछली बैटल की वजह से अब वो और भी स्ट्रांग हो गया है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करने के बाद जब वो खिड़की के बाहर देखता है, वो पाता है कि सवेरे का समय है। जैन खुद से कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्हें इंजरी से रिकवर होने के लिए मुझे पूरी रात का समय लग गया। अपने सिर को एक बैम्बू हेड से ढकने के बाद जैन यू फैमिली के लॉबी की तरफ जाता है। यूरू जो कि सुबह सुबह अपने फादर की हेल्प करने के लिए आई हुई होती है, वो इस बैम्बू हेड वाले बंदे को तुरंत ही पहचान जाती है। वो पूछती है, जियान क्या तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए? इस पे जियान नॉड करता है। यूयू के पीछे यूरू खड़े होते हैं। वो जियान को देख के बोलते हैं, हाँ मुझे पता ही था। आखिरकार जियान एक इंपीरियल एल्केमिस्ट है, उसके पास रिकवरी के लिए मेडिसिन हर्ब्स और पिल्स की काफी वैरायटी होगी। वैसे वो बोलना तो और कुछ भी चाहते थे, लेकिन यूरू उन्हें नोच के रोक लेती है। यूरू को जियान की इंटेंशंस के बारे में अच्छे से पता था। वो अपने पिता को एक बार घूरने के बाद जियान से कहती है, कम ऑन मैं तुम्हें वहां पे लेके चलती हूँ। इस लड़की के ऐसे एक्शन को देख के यूयू हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाते हैं। जियान यूरू से पूछता है, यूरू क्या पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहता हुआ पानी हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियान को पहले ही बता रखा था कि गुवन पेयुवन पिल के पाउडर और कुछ और जड़ी बूटियों को मिलाने के लिए उसे बहते हुए पानी की जरूरत होगी। आफ्टर ऑल चिंगवान कुआं में चली गई है, अगर वो इस मेडिसिन पिल को उसे डायरेक्टली दे देता है तो इसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस वजह से जियान को गुवन पेयुवन पिल के अंदर की एनर्जी को पहले न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है। यूरू अपने होटो को टैप टैप करके बोलती है, बहता हुआ पानी। उसे एक झरने की याद आती है जिसकी लोकेशन मैजिकल बीस्ट माउंटेन में थी। वो जियान को जगह के बारे में बताने लगती है। यूरू कहती है, क्यों ना तुम्हें वहां पे मैं ले चलूं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, चिंग युआन की केयर करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये सुन के जियान को जिल्लों की चेतावनी याद आती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियान को वार्न किया था कि जब वो चिंग युआन को गुवन पेयुवन पिल से जगाने की कोशिश कर रहा होगा, उसे अपने साथ किसी को नहीं लाना है। इस वजह से जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो यूरू को पूछने के लिए थैंक यू बोलता है। यूरू जियान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है। वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये भूलना मत कि 3 दिनों में वो एनवॉय हमें लेने के लिए आने वाले हैं। ये कह के वो जियान को लेके चिंग युआन की वुडन हाउस के पास पहुंच जाती है, और क्योंकि जियान ने उसे अपने साथ आने के लिए मना किया होता है, यूरू तुरंत ही जियान को अकेला छोड़ के चली गई थी। यूरू को जाते हुए देख जियान साय करता है। उसका ध्यान जाता है वुडन हाउस की तरफ। जिल्लोंग जियान से कहते हैं, लगता है तुम अपना प्यार चारों तरफ फैला रहे हो। वो जानता था कि जिल्लोंग बस फालतू में उसे
चिढ़ा रहे हैं, तभी उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। उसे यूरू के इमोशंस के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वह अभी तक यूरू को किसी नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है। जियान चिंगयुआन की तरफ आगे बढ़ती हुई बोलता है, मुझे चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होंगी। इस समय चिंगयुआन के शरीर को एक पतले से सफेद कपड़े ने ढके रखा था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से बोलते हैं, ठीक है इसे तुम उस जगह पर ले चलो, वहाँ पे लड़की उस मेडिसिन स्ट्रेंथ को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगी। अपनी रूलर को स्टोरिंग में रखने के बाद जियान एक बार चेक करता है कि कोई उस पर ध्यान तो नहीं दे रहा। फिर वो फाइनली चिंगयुआन को अपनी बाहों में लेके यू फैमिली कंपाउंड से चला जाता है। जिस पल जियान ने चिंगयुआन को छुआ था, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में एक प्योर एनर्जी फ्लो कर रही हो। वो तब भी अपनी क्यूरियोसिटी को दबा के मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स के गहराइयों में जाने लगता है। इन मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स में एक अजीब सी शांति फैली हुई होती है, बस जियान को कभी कभी हवा से पत्तियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। भले ही चारों तरफ सब कुछ शांत दिखाई दे रहा हो, जियान एकदम सतर्क होता है। इस समय उसके एक हाथ में रूलर मौजूद होती है। वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज से डील करने के लिए तैयार था, क्योंकि जियान को जंगलों का काफी अनुभव था। वो जानता था कि ऐसी जगहों पे हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। जब काफी समय तक जियान को कोई खतरा महसूस नहीं होता, फाइनली एंशिएंट रूलर उसकी स्टोरी में वापस लौट जाती है। ऑल्दो हैवी जोन रूलर भारी होने के साथ साथ जियान की दुखी को भी सरप्राइज करती थी, लेकिन अब जियान खुद को इसकी आदत डाल चुका होता है। लेकिन क्योंकि जियान ने अब इसको वापस रख लिया है, वो और भी फ्रीली मूव कर पा रहा था। कुछ समय तक और आगे बढ़ने पे जियान को मर्सनरीज का एक ग्रुप दिखाई देता है। स्पेशली उसकी नजरों को आकर्षित करती एक लड़की जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन के रखे थे। इसे कई गार्ड्स ने घेर के रखा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक पल के बाद लड़की अपनी आईब्राउ से पसीने को पहुंचती है, उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। अपने सामने के नजारे को देख के वो सारी मर्सनरीज उसमें खुश हो जाते हैं। इस सीन को जियान चुपचाप देख रहा था। वो मन ही मन में कहता है, इस वुमन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है। भले जियान की सोल एम्पर रैंक से मोटर रैंक में जा चुकी हो, लेकिन तब भी वो सेंस करता है कि सफेद कपड़ों वाली लड़की में से उसे एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। इसकी वजह से जियान काफी क्यूरियस हो गया था। सीन शिफ्ट हुआ था, हम एक हैंडसम से बंदे को उस व्हाइट क्लोथ वुमन के पास जाते हुए देखते हैं। वो एक हल्की सी आवाज में उसे कुछ जानकारी देता है। ये सुन के उस लड़की की आंखें चारों तरफ देखने लगी थी। वो एक धीमे आवाज में कहती है, हमारे ऊपर एक ऐसे एक्सपर्ट की नजर है जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी पावरफुल है। इस पे वो बंदा कहता है, नहीं, हम इस माउंटेन एरिया को अच्छे से चेक कर चुके हैं। कुछ और देर तक बात करने के बाद लड़की नॉड करती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी रिलैक्स हो गया था। अब यहाँ पे असली में क्या चल रहा है, जियान को उसके बारे में जानने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक बार अपने सिर को हिला के इन मैजिकल बीस माउंटेन्स की गहराइयों में आगे बढ़ने लगता है। भले ही मैजिकल बीस माउंटेन्स का आउटर एरिया देखने में काफी ज्यादा शांत लग रहा हो, जियान ने इस जंगल की गहराइयों में कदम ही रखे थे, तभी कई नाइन्थ टीयर के बीस जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। वैली एक्चुअली में 3 दोशंग लेवल के मैजिकल बीस्ट होते हैं। इन्हें फायर सर्पेंट के नाम से जाना जाता था। अगर इनकी जहरीली फ्लेम्स का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये दोशंग लेवल की पावर हाउस की भी जान ले सकती है। इनकी लगातार हिसिंग साउंड को सुन के जियान थोड़ा सा अननॉय हो जाता है। जैसे उसने अपने ऑरा को रिलीज किया था, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन तीनों सांपों की पूंछों पर कदम रख दिया हो। ये तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। ऐसा होने पर जियान फाइनली सामने के नजारे को देखता है। सामने एक बहुत ही ऊंचा सा झरना मौजूद था, और जब सूर्य की किरणें इस झरने से पार होकर आती थी, ये सच में देखने लायक नजारा लगता है। जियान समझ जाता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में उसे यूरू ने बताया था। नेक्स्ट मोमेंट में जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अनलीज करता है। एक्चुअली में जियान को ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे बड़े आराम से गुबन पेयुआन पिल की अब्सॉर्प्शन प्रोसेस को शुरू कर सके। गुबन पेयुआन पिल की मेडिसिन स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाना ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि पीक ऑर्डर की फर्स्ट ग्रेड एम्पीरियल लेवल पिल है। इस रिलीज होने वाली एनर्जीज काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। जैसे जैसे जियान के कदम और भी आगे बढ़ रहे थे, झरने के पानी की पत्थरों से टकराने की आवाजें और भी क्लियर होती जाती है। ऐसी प्योर नेचर की रिदमिक साउंड मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। चलो तब तक हम भी जियान को जगह को तलाश करने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें चिंगयुआन की असली आइडेंटिटी मालूम पड़ेगी, और जियान का कोई भी काम बिना कोई परेशानी के तो हो नहीं सकता है। सो यहाँ पे वो किस बड़ी परेशानी फंसने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होने वाले वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप वीडियोस को पहले ही देखना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो। ऐसा होने पे आपको अर्ली एक्सेस का फायदा मिल जाएगा, जिससे हम जैसी नई वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं वो हमारे सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।